परसेंटेज देख ले है, दो डंडे ठीक है, चलो लेट्स डू इट। ओके तो यार एक बार की बात है, एक टैक्सी ड्राइवर होता है अपना लास्ट कस्टमर को ड्रॉप करके हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे थी और हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, और उसको ड्राइवर को जल्दी से वहाँ पे पहुँचना था। ओके तो वो निकलता है अपना डायरेक्ट हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है, बहुत जल्दी में होता है, मतलब पूरा पसीना पसीना होता है। जब वो जा रहा होता है उसको एकदम सड़क पे एक बंदा आता है सामने उसके, और वो बोलता है कि आप मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ रहे हो, मतलब वो बहुत ही फ्यूरियसली बोलता है क्योंकि यार वो बहुत जल्दी में होता है। तो वो बंदा जो सामने आया था वो थोड़ा सा भी एक्सप्रेशंस नहीं देता, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, अच्छा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ड्राइवर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बोल रहा होता है कि आप साइड हो जाओ, मेरे को जाना निकलना है, लेकिन वो साइड नहीं होता। वो क्या करता है, वो आता है गाड़ी के अंदर बैठता है, वो बंदा आता है गाड़ी के अंदर बैठता है। भाई साहब क्या कर रहे हो, भाई साहब क्या, मैं नहीं जा रहा अभी, गाड़ी नहीं जा रही है। भाई साहब आपको समझ नहीं आ रही क्या मेरी बात, मैं कह रहा हूँ जब मैं नहीं जा सकता, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। और कुछ नहीं बोलता, वो कहता है चलाओ गाड़ी चलाओ। काफी वियर्ड बात हो गई, वही अलाउ कर देते उसको। भाई साहब आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूँ जब मैं नहीं जा सकता, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। भैया 2 मिनट लगेंगे, ले चलो। ये कैसे आदमी हो यार, मैं कह रहा हूँ मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। भैया बहुत अर्जेंट है, ले चलो। यार कैसे आदमी हो आप, समझ ही नहीं। क्या होता है कि वो फिर चलता है, उसकी बात मान लेता है, वो सोचता है कि क्या पता थोड़ा से ही आगे जाना उसको। तो चलते हैं, वो थोड़ा आगे जाते हैं। ड्राइवर उसको पूछता है यार तुम्हें जाना कहाँ पे है, एटलीस्ट मेरे को जगह तो बताओ कि जाना कहाँ है, जाना कहाँ है ये तो बता दो। लेकिन वो ब्लैंक बैठा होता है, भाई साहब आपसे बात कर रहा हूँ आपको जाना कहाँ है, और कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे रहा होता, एकदम ब्लैंक। थोड़ी देर बाद वो बोलता है भैया आगे से राइट लेके लेफ्ट ले लेना। तो ड्राइवर वैसे ही करता है, वो मोड़ता है और सीधा जा रहा होता है। सुनसान सी सड़क होती है, बहुत ही सुनसान, लाइक लाइट्स नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लोग नहीं है वहाँ पे, जंगली एरिया थोड़ा सा, लाइक पेड़ बहुत ज़्यादा है। और वहाँ जाके उसको एकदम से वो बोलता है ड्राइवर को, रुको यहाँ पे साइड पे लगाओ। वो ड्राइवर रोकता है, एकदम से स्टॉप करता है गाड़ी को बीच जंगल में। हाँ बीच जंगल में, लाइक क्यों उसने रोका अभी पता नहीं है, लेकिन वो रोकता है उसको और वो उतरता है गाड़ी से। उतर के बहुत अजीब सी चीज होती है कि उतर के वो गाड़ी के पीछे से निकलता है और दूसरी साइड जाके गाड़ी के आगे जाता है थोड़ा और रुक जाता है और जमीन की तरफ देख रहा होता है। पता नहीं, वो बस खड़ा होके ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बस नीचे देख रहा है। ड्राइवर बोलता है यार ये क्या मजाक चल रहा है, इसको चलना है कि नहीं चलना है। तो वो बोलता है उसको कि आ जा भाई चल, मेरे को निकलना है आगे अपना काम करना है। वो खड़ा रहता है थोड़ी देर तक, 2 या 5 मिनट तक खड़ा रहता है, आता है गाड़ी के अंदर बैठता है और फिर बोलता है कि चलो भैया। ड्राइवर सोच रहा है हो क्या रहा है भाई, एग्जैक्टली मतलब कुछ बोल नहीं रहा है, चलो उसको जल्दबाजी भी हो रही है। हाँ, उसको हॉस्पिटल जाना, उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेज पे। वो अब बैठता है गाड़ी के अंदर, वो कहता है कि चलो आगे। तो ड्राइवर अब चलता है आगे, थोड़ी देर बाद फिर से वो बोलता है रोको गाड़ी रोको। ड्राइवर फिर रोकता है, लेकिन अब क्या हुआ कि वो बंदा उतरता है, यार बहुत अजीब सी बात है, इस बार भी वो उतरा, फिर से जाके जमीन को ताक रहा है, बस कुछ भी नहीं कर रहा। वो बस उसके आंखों में देख रहा है उसको विदाउट एनी एक्सप्रेशंस। फिर वो बंदा चला जाता, ड्राइवर वहीं रह जाता, चला जाता और वो बैठते हैं गाड़ी के अंदर और ड्राइवर भी बैठता है। अब ड्राइवर क्या कह रहा है कि अब वो अंदर सोच रहा है कि अगर अब इसने रोका, अगर इसने अब रोका मैं भाग जाऊंगा। सही बात है यार, उसको जल्दी है। हाँ, exactly. वो कह रहा था कि मैं भाग जाऊंगा, मतलब उसने उसके सामने नहीं बोला, उसके मुंह पे नहीं बोला, चाहे कहीं पर भी खड़ा हो, उसने अंदर ने बोला। और फिर से वही जो बैठा था उस बंदे ने बोला कि चलिए आप आगे चलिए।
बहुत ही काम कंपोज सा लग रहा था वो, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब थी. वो चलने लग गए आगे, फिर वो बोलता है कि रोको, गाड़ी लगाओ साइड में. अब ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है. ड्राइवर ने सोचा हुआ था कि अब मैं निकल जाऊंगा. वो बंदा उतरा, फिर से जमीन को ताक रहा है वो. ड्राइवर ने एकदम से एक्सेलरेट किया और निकल गया वहां से. उसकी गाड़ी एकदम से ना जर्क मार के स्टॉप हुई, लाइक जैसे होता है ना इंजन खराब हो जाता तो एकदम से गाड़ी, हाँ जैसे फंस गया तुम विद क्लच लगा दो, वैसे वाला सीन हो गया था. एकदम से गाड़ी रुकी उसकी और उसने गाड़ी चलाई और वो चल देता है, मतलब आगे चले जाता है हॉस्पिटल की तरफ. और जो पीछे बंदा है वो बस ऐसे उसकी तरफ देखता है, एक स्माइल सी देता है, ईविल स्माइल देता है. बहुत ही वियर्ड सी बात है ये, ईविल स्माइल देता है और वो गाड़ी वाला आगे से चला जाता है. ना रोकता है, बुलाता है. नहीं रोकता, नहीं रोकता, क्योंकि अब वही है उसको यार, वो अपनी फैमिली देखेगा ना यार. उसकी वाइफ परेशानी में है. वो गया हॉस्पिटल, बैठता है वहाँ पे, हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठा है वो. और वहाँ पे टीवी चल रहा होता है. तो वो बैठा होता है, आराम से बैठा है. टीवी की तरफ उसके नज़र जाती है और वो देखता है कुछ उस पर, कुछ देखता है उस पर और उसी को ताकने लग जाता है. और बहुत ही उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, लाइक परेशान तो था वो ऑलरेडी, लेकिन अब उसके वो कुछ और ही सोचने लग गया ऐसा लग रहा है. लाइक वो उसके दिमाग से वाइफ चली गई है और कुछ और चीज़ ओवर, मतलब उसके दिमाग पे हावी हो गई है. तो वो देख रहा है उस टीवी को, बस देख रहा है. और डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आते हैं कि उनको बोलते हैं कि कंग्रेचुलेशन, आपका बेटा हुआ है, मतलब सक्सेसफुल डिलीवरी हो जाती है विदाउट एनी ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी होती है. यार हैरानी की बात यह है कि वो बंदा अभी भी टीवी को देख रहा है, ना उसके फेस पे स्माइल है, ना कोई जॉय, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, वो बस टीवी को देख रहा है. काफी अजीब बात है. ऐसा क्या देख रहा था, मतलब वो टीवी पे क्या था? उसी बंदे की जो उसके साथ टैक्सी में बैठा था. असल में क्या हुआ था कि टैक्सी जहाँ जहाँ उसने रोकी थी, उस ड्राइवर को पता है, जहाँ जहाँ उसने रोकी थी वहाँ वहाँ एक पॉली बैग रखे हुए थे, पॉलीथिन बैग्स रखे हुए थे ब्लैक कलर के, कहीं पे बोरियाँ रखी हुई थी, उसके अंदर बॉडी पार्ट्स थे. शिट. और हैरानी की बात ये है, जो बॉडी पार्ट्स थे वो उसी बंदे के थे जो उसके साथ गाड़ी में बैठा था. शिट.